कांग्रेस के फायरब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों की बजाय अमीरों के लिए काम करते हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में 55 देशों की यात्रा की और इस दौरान सरकारी कंपनियों की बजाय अंबानी अडानी को 18 बड़े ठेके दिलवाने में मदद की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर और क्या आरोप लगाए, हमारे सहयोगी अजय झा बता रहे हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में 55 विदेशी दौरे किए और जिसमें 18 से ज़्यादा एग्रीमेंट अडानी और अंबानी को करवाए। सिद्धू ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री सिर्फ 2 बड़े उद्योगपतियों के बिजनेस डेवलपर मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं अंबानी और अडानी के? सब सरकारी कंपनियां मर रही हैं साहब, बीएसएनएल ले लो आप, एनटीपीसी ले लो आप, करोड़ों के फायदे में थी। भेल ले लो, करोड़ों के फायदे में थी। और देखिए आप, रिलायंस पोस्ट अगेन ऑफ 10,000 crores इन अ क्वार्टर। पहली प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की जो 3 महीने में 10,000 करोड़ कमाती है, इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया। और सरकारी पोस्टल डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ के घाटे में, कल आया अखबार में। सिद्धू ने कहा कि जिस चौकीदार को चौकन्ना रहना चाहिए था वो निकम्मा साबित हुआ। और सिलसिलेवार तरीके से सिद्धू ने बताया कि किस तरह से चाहे वो डिफेंस डील हो या बिजली उत्पादन हो, हर मौके पे प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। आंकड़ों के हिसाब से सिद्धू ने बताने की कोशिश की कि जो एनपीए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 2 लाख करोड़ का था, वो 5 साल में मोदी सरकार के दौरान 15 लाख करोड़ हो गया। हर बार की तरह नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही अंदाज में कई आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए और चुटकी भी ली कि किस तरह से चौकीदार जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे रहा है और चुनाव में इधर उधर की बात कर रहा है, दरअसल उसे मुद्दों की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के जो तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब देना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।